अप्रोक्सीमेटली बता सकते हो 6 साल में कितना पैसा इसी से कमाया? अगर आप बोलो विनिंग की, तो विनिंग, और मैं बहुत शौकीन था मतलब टैक्स देने का, जैसे किसी बड़ा टैक्स हो गया ना जो छाती छोड़ी करके चल पाओगे। सही बात है। तो मुझसे बोला गया, तो मैं ना पापा से, मैंने पापा गांव के प्रधान थे, तो मैंने उनसे बोला कि आप डेट ऑफ बर्थ चेंज करानी, कहता कि मैंने कहा कि वो 10th क्लास में ना मार्कशीट में दूसरी है, मुझे डर वो चेंज करानी पड़ेगी। पापा ने साइन कर दिया और मैं डेट अपने मन से लिखी ताकि पैन कार्ड मेरा जल्दी आ जाए, पापा के पैन कार्ड पर ना खेलूं, मुझे टैक्स पे करना है। ये कोई बात भी हो जाए कभी, क्योंकि मुझे क्या होता है अर्ली स्टेज में आपको भी नहीं पता होगा कितना टैक्स पे करना है, क्या होता है सिस्टम, हमें भी वो चीज़ नहीं पता थी। सोचा मैं पापा को पूछना, गवर्नमेंट कोई एक्शन भी ले तो मेरे ऊपर ले। तो मैंने अपना पैन कार्ड लगाया, टैक्स पे करना चालू किया। तो लास्ट ईयर कितना टैक्स पे किया था? करोड़ में है, बस आप ये समझ लो। सबसे पहले तो अभी तक कितने साल का करियर हो चुका है? ये जून में हो जाएगा 6 साल। 6 साल, 6 साल में कितने हो जाएंगे? अप्रोक्सीमेटली बता सकते हो 6 साल में कितना पैसा इसी से कमाया? अगर आप बोलो विनिंग की, तो विनिंग मोर देन 52 करोड़, 55 करोड़। और अगर आप अर्निंग का देखो, तो जो कमाया है पैसा, मतलब विनिंग नहीं अलग से जो कमाया है, लाइक लोगों को विन करा के कमाया हो, या यूट्यूब से कमाया हो, या ब्रांड इंटीग्रेशन से कमाया हो, 30 करोड़। तो टोटल हम लोग मान लें 70-80 करोड़ रुपए अभी तक 6 साल। हाँ देख लो, अब बचाया कितना ये मत पूछना है, क्योंकि इसका तो कोई वो उसकी बात अलग से करेंगे, पर बहुत बहुत बड़ी बात है कि 21 साल में 70-80 करोड़ रुपए कमा लेना। ओ भाई मारो, मुझे मारो, मारो मुझे मारो मारो।